हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 21 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की माइंड न्यूज डिस्कशन की तरफ। तो पहले हम आज के कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको घड़ियाल है वो नेचुरल हैबिटेट में देखने हैं, तो आपको विजिट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है वो कौन सा रहेगा। मतलब आपको ये बताना है कि घड़ियाल का नेचुरल हैबिटेट है वो कहाँ पे है और जो कि सबसे बेस्ट जगह है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है भितरकनिका मैंग्रोव, दूसरा दिया गया है चंबल रिवर, तीसरा दिया गया है पुलिकट लेक और चौथा दिया गया है यहाँ पे डिपोर बेल। तो आप सोचिए और बताइए कि हो क्या होगा। तो देखो, हमने अभी कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि घड़ियाल को लेकर काफी सारे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे थे। तो वो तो चले जा रहे थे बेसिकली ओडिशा में, और यहाँ पे बात की जा रही है कि नेचुरल हैबिटेट जहाँ पे घड़ियाल काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि चंबल रिवर के ऊपर घड़ियाल के लिए काफी सारे प्रोजेक्ट हैं वो चलाए गए हैं, और इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, चंबल रिवर के ऊपर घड़ियाल है उसका नेचुरल हैबिटेट है या नेचुरल आवास है वो है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है बनीठनी पेंटिंग के बारे में। क्वेश्चन ये है कि बनीठनी पेंटिंग वो कहाँ से बिलोंग करती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कंगरा स्कूल, दूसरा दिया गया है किशनगढ़ स्कूल, तीसरा दिया गया है बूंदी स्कूल और चौथा दिया गया है जयपुर स्कूल। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा है वो करेक्ट है। देखो, बनीठनी पेंटिंग है वो काफी फेमस पेंटिंग है इंडिया की, और इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि काफी ईजी है वैसे भी और बहुत बार काफी सारी एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन है वो पूछा भी जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसमें स्टेटमेंट दिया गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट। हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। पहला एक स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडियन पेनिनसुलर जो रीजन है ना डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन। मतलब इंडियन जो पेनिनसुलर रीजन या प्रायद्वीप जो भाग है वहां पे सर्दी का मौसम वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, मतलब वहां पे कोई ढंग से सर्दी नहीं पड़ रही है, ये कह रहा है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वेस्टर्न घाट्स रिसीव मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न घाट। दूसरा स्टेटमेंट का आपको समझ में आ गया होगा कि पश्चिमी घाट में बारिश है वो पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा होती है। तो अब हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, हम बात करें यहाँ पे पहले और दूसरे स्टेटमेंट की, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जो पेरेंचुरल रिवर है जो प्रायद्वीप पे भारत है उसके अंदर सर्दी का मौसम है वो कुछ खास नहीं होता है, मतलब वहां पे ना तो उससे सर्दी पड़ती है ना कुछ हो। तो इसका कहने का मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो पश्चिमी घाट है वहां पे बारिश वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसा हम जानते हैं ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भाग, ये हो गया हमारा पश्चिमी तट और ये हो गया पूर्वी तट। अब देखो क्या होगा, सर्दी के अंदर जब बारिश होगी तो भी इसमें बारिश होती है इस वाले हिस्से के अंदर, और जब गर्मियों में जब जब हमारा मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून आता है उस टाइम पे भी वेस्टर्न घाट में बारिश वो होती रहती है। तो कहीं ना कहीं इसको दोनों मौसम में बारिश होती है और यहाँ पे बारिश वो ऑल ओवर ज्यादा ही होती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों स्टेटमेंट या फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब हम चलते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। जो आज का पहला आर्टिकल आया है वो है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के बारे में। तो देखो, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है वो गवर्नमेंट के द्वारा 2016-17 के बजट में लाई गई थी, और इस स्कीम का मेन मोटिव ये रखा गया था कि हमारे देश में रोजगार जनरेशन है या इम्प्लॉयमेंट जनरेशन है इसको प्रमोट किया जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार है वो मिल सके। और ये जो स्कीम है या ये जो योजना है वो इम्प्लीमेंट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसी के साथ ही ईपीएफओ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ईपीएफओ और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उन दोनों के द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट है वो किया गया था। अब हम देखते हैं कि स्कीम में बेनिफिट क्या है, क्या यह स्कीम है, इसका मेन मोटिव क्या रखा गया है। इम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो ठीक है, बट किस तरीके से इम्प्लॉयमेंट जनरेशन को फोकस किया जाएगा। देखो, आपको पता है कि हमारे देश में जो भी इम्प्लॉय जो भी वर्कर होते हैं उनका एक ईपीएफओ अकाउंट होता है जिसे हम जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, और इसके अंदर वो अपना सारा पैसा है धीरे धीरे वो मतलब अपनी सेविंग है वो इक्विटी है वो करते रहते हैं, जिसे हम ईपीएफओ के नाम से काफी बार न्यूज में भी आता रहता है। तो गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया कि भाई जो वर्कर जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, मतलब जिनको 15,000 रुपये मंथली भी नहीं मिल रहे हैं, उनसे कम जो वर्कर सैलरी पा रहे हैं उनको ईपीएफओ के तहत जो भी रजिस्टर्ड है ना वर्कर, पहली कंडीशन क्या है कि वो वर्कर जो ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर होने चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है कि उनकी सैलरी 15,000 से कम होनी चाहिए, उनको क्या करेगी गवर्नमेंट 12% जो पैसा है ना ईपीएफ में जो पैसा जाता है ईपीएफ फंड में वो पैसा गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 3 साल तक। तो ये इस स्कीम का मेन मोटो रखा गया है। तो आपको बस इसमें यही ध्यान रखना है कि इसमें
गवर्नमेंट है वो एक तरीके से उनको पैसा है वो देगी किस फॉर्म में, ईपीएफओ के अकाउंट में। अब देखो कई जगह आपको मिलेगा कि 8.33% और कई जगह आपको मिलेगा 12%, तो ये दोनों ही सही है क्योंकि 8.33% है वो तो दिया जाएगा जो वो एम्प्लॉय जिनको एक्चुअली पैसे की मतलब जिनके प्रॉपर सैलरी है नहीं 15,000 से कम। अब जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत उन्होंने आगे जो बचा हुआ रहेगा यहाँ पे 3.67% वो वहां पे प्रोवाइड करा जा रहा है, तो कई जगह आपको 12% लिखा मिलेगा, कई जगह आपको 8.33, दोनों ही सही है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें गवर्नमेंट है वो पैसा देगी ताकि जो वर्कर्स हैं उनके अकाउंट में या ईपीएफ अकाउंट के अंदर वो पैसा जा सके, एक तरीके से उनको मतलब वापस उनसे पैसा लिया नहीं जाएगा, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव है वो लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, तो एक बार यहाँ पे आप पिक्चर देख लीजिए, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे गोडाउन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो है क्या इसके बारे में फैक्ट देखते हैं, ये एक्चुअली राजस्थान का बर्ड स्टेट बर्ड है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हो जाता है। अभी कंटेक्स्ट आया था कुछ टाइम पहले भी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे गोंडवाना के नाम से जानते हैं उसकी संख्या में भारी कमी आ गई, अभी तक इनकी संख्या वो लगभग 70-80 के आस या 60-70 के आसपास इनकी संख्या है वो ऑल ओवर इंडिया में बची है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो इनका काफी मात्रा में शिकार है वो किया जा रहा था, इसकी वजह से इनकी संख्या है वो काफी कम है वो हो गई है। और दूसरा रीजन क्या है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है या जैसे हम पोल वगैरह जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल वगैरह होते हैं उनकी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उनके कई बार इनके टकराने से मौत हो जाती है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये एक्चुअली नीचे थोड़ी हेवी होती है वेट में, तो ये क्या करते हैं नीचे की तरफ ही मतलब उड़ते हैं हवा में और इसीलिए जो लाइन वगैरह होती है ट्रांसमिशन लाइन इनसे टकरा के इनकी मौत वो हो जाती है और इनकी दृष्टि है वो भी काफी कमजोर है वो होती है। अभी कंटेक्स्ट ये आया है कि गवर्नमेंट ने इनके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बचाने के लिए या इनकी जो संख्या है उनको बढ़ाने के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की तरफ फोकस है, वो कुछ स्टेप उठाने की बात है वो की है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक तो ये है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा, मतलब कहाँ कहाँ पे इनको प्रोटेक्ट है वो किया जा रहा है, और इसी के साथ ही यह ध्यान रखना है कि इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इसके शेड्यूल फर्स्ट में इनको प्रोटेक्शन दी गई है, मतलब इनको सबसे ज्यादा सुरक्षा है वो प्रोवाइड करवाएगी। इसके साथ ही सीएमएस कन्वेंशन है और सीएमएस कन्वेंशन हुई और इसके साथ साइट्स जो कन्वेंशन है इसके अपेंडिक्स वन में इनको रखा गया, मतलब यहाँ भी प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इनको दी गई है। इसी के साथ ही आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट होती है इसमें इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल किया गया है, और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसके लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया राजस्थान के द्वारा, तो ये कुछ फैक्ट हो गई। अब इसके प्रोटेक्ट एरिया वो राजस्थान के 3 स्टेटों में है, एक तो है सॉरी इंडिया के 3 स्टेट में, एक तो है राजस्थान में वो है डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी, तो आपको यह ध्यान रखना है डेजर्ट नेशनल जो पार्क सेंचुरी है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए राजस्थान में, ये दोनों इफेक्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। पहला इफेक्ट क्या है कि डेजर्ट नेशनल पार्क है सेंचुरी है वो कहाँ पे और किसके लिए है, फेमस है, तो यह फेमस है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को प्रोटेक्ट है सुरक्षा है वो दिलाने के लिए। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में आता है रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यह ध्यान रखना है कि रोलापाडू जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है वो भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व करने के लिए है। तीसरा है वो कहाँ पे हुआ है मध्य प्रदेश में, वो है यहाँ पे करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो एक देखो यहाँ पे एक इनडायरेक्टली इफेक्ट और तैयार हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के रीजन में, तो इस तरीके से ये इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हो जाता है। अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में। देखो कंटेक्स्ट तो कुछ खास नहीं है बट एक बार ये लोकेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। गिलगित बाल्टिस्तान है वो एक्चुअली जो जम्मू एंड कश्मीर का ही एक हिस्सा था जो कि पीओके के तौर पे हम एक्चुअली भी पाकिस्तान के अंदर है, ये देखो आप देख सकते हो ये तो होगी हमारा जो पूरा जो नॉर्मल जम्मू एंड कश्मीर है वो एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें देखो ये आपको जो हिस्सा दिख रहा है पीओके वाला ये है गिलगित बाल्टिस्तान जो कि भी पाकिस्तान के कब्जे में है जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। कंटेक्स्ट तो भी यह है कि जो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी डिसीजन लिया है कि भाई गिलगित बाल्टिस्तान है यहाँ पे कुछ मतलब सिक्योरिटी स्टेप है वो उठाए जाए और इसको और ज्यादा प्रोटेक्शन वगैरह दी जाए और ये कुछ फैक्ट है यहाँ पे आया, तो वो तो कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन, तो लोकेशन हमने यहाँ पे देखी ये होगी यहाँ पे LOC जो लाइन ये आप यहाँ पे देख सकते हो LOC लाइन होगी, ये देखो ये है सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों क्योंकि देखो ये एरिया तो हो गया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का और ये हो गया अक्साई चीन जो कि चाइना के अंडर है, तो एक तरीके से ट्राई जंक्शन का एरिया होगा ना, देखो इस साइड तो होगा इंडिया का पार्ट और इस साइड होगा चाइना के द्वारा ऑक्यूपाइड कश्मीर और इस साइड होगा पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे हुआ है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, तो इसकी लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हो जाती है। तो देखो ऐसी जो चीजें वो मैपिंग में हमें काफी बार डिस्कस भी की है और ये हमें ध्यान में
रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है जिंक कार्बन बैटरी के बारे में। देखो जिंक कार्बन बैटरी है वो क्या होती है, इसके बारे में कुछ फैक्ट देते हैं। ये होती है प्राइमरी सेल, जिस तरीके से आपको ध्यान होगा हम बचपन में जो रेडियो वगैरह यूज करते थे या फिर जो आज के टाइम जो वॉच वगैरह यूज करते हैं उनके अंदर जो सेल यूज किए जाते हैं पेंसिल से रिमोट वगैरह में, वो होती है जिंक कार्बन बैटरी, क्योंकि उनमें जिंक और कार्बन का यूज है वो किया जाता है। यह ध्यान रखना है कि जिंक कार्बन बैटरी है इनको प्राइमरी सेल के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी सेल का मतलब ये होता है कि वो सेल जो एक ही बार यूज किया जाता है, मतलब इनको बार रिचार्ज नहीं कर सकता, मतलब ये चार्जेबल नहीं होते हैं, बस एक बार यूज किया फिर उनको फेंक देते हैं। तो यह ध्यान रखना कि प्राइमरी सेल है वो जिंक कार्बन बैटरी को कहते हैं, ये रिचार्जेबल नहीं होते हैं और इसमें जिंक और कार्बन का यूज है वो किया जाता है। ये इफेक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है और इनकी जो लाइफ होती है वो काफी लंबी होती है। इन पे सर्दी गर्मी का कुछ नॉर्मल इतना इफेक्ट है वो नहीं होता और ये पहली कॉमर्शियल ड्राई बैटरी भी है, मतलब इनमें कुछ तेजाब एसिड वगैरह का यूज है वो नहीं होता है। ये पहली कॉमर्शियल, इससे पहले कोई ऐसी बैटरी नहीं बनी थी, यह विश्व की पहली ऐसी बैटरी के तौर से भी जानी जाती है। अभी आपके दिमाग में आएगा कि भाई ऐसे हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो वो कंटेक्स्ट ये आया था कि अभी इंडिया की कुछ कंपनीज थी, उन कंपनीज ने क्या किया एक तरीके से कि अपना कार्टल बना लिया और ये डिसाइड कर लिया कि भाई जो ये जिंक कार्बन सेल है ना इनको बैटरी को इनको हम महंगी रेट पे बेच लेंगे। मतलब उन्होंने अपना कार्टल तैयार कर लिया ताकि इसकी जो सप्लाई है इसको रेगुलेट कर सके और काफ़ी महंगे दामों में सेल को बेच सकें। तो इसीलिए जो इंडिया में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि मार्केट में कंपटीशन का माहौल तैयार रखता है, जो कार्टल वगैरह बनाती हैं कंपनियाँ इनको रोकता है, उसने अभी इन कंपनियों के ऊपर फाइन वगैरह लगाया था। तो ये कुछ कंटेक्स्ट था। तो यूपीएससी इसके बारे में नहीं पूछेगी कि कौन सी कंट्री कौन सी कंपनी ने क्या क्या किया, बट यह ध्यान रखना कि जिंक कार्बन सेल है वो क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसी के साथ ही जो लिथियम आयन बैटरी है, फिर जिसे हम सेकेंडरी बैटरी के नाम से भी जानते हैं। देखो तो लिथियम आयन बैटरी है ये भी न्यूज में क्यों आई थी वो है देखते हैं, क्योंकि इंडिया में लिथियम आयन बैटरी की पहली फैक्ट्री है उसके बनाने की बात है वो भी की जा रही है। यह बैटरी बनाई जाएगी इंडिया में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और इसी के साथ ही लिपकॉइन के द्वारा। अभी तक इंडिया है वो लिथियम आयन बैटरी को बाहर से इंपोर्ट है वो कर रहा है, ये सेकेंडरी बैटरी के तौर से भी जान जाती हैं, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी हैं इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और ये रिचार्जेबल होते हैं। हमारे फ़ोन वगैरह में भी हम जो बैटरी यूज करते हैं वो लिथियम आयन बैटरी ही होती है, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं इनमें इनका यूज़ होता है। ये थोड़ी कॉस्टली जरूर होती हैं बट ये पोर्टेबल होती हैं और ये रिचार्जेबल होती हैं, तो इनका काफ़ी ज़्यादा यूज है वो आज के टाइम पे किया जाता है। तो इंडिया में इनकी पहली फैक्ट्री भी बनाई जा रही है, तो ये कुछ कंटेक्स्ट भी था और यहाँ पे सेकेंडरी फैक्ट्री का आप एग्जाम्पल भी इसको याद है वो कर सकते हो। अब हम देखते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत है वो बनाई गई थी। अब इसका काम क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम यह है कि हमारे देश के अंदर का जो कंपटीशन या प्रतियोगिता का माहौल है वो बना रहे इसके। जिस तरीके से कई बार क्या है कंपनी अपनी मोनोपोली कर लेती हैं, अपने कार्टल बना लेती हैं, मनमर्जी करने की कोशिश करती हैं, तो उस कंडीशन में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कस्टमर के जो भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश है वो करता है और उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट भी करता है। मतलब हमारे देश में जो कंज्यूमर है उपभोक्ता है उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको फ्रीडम देने के लिए और जो भी व्यापार हो रहा है वो फ्री ट्रेड हो सके। फ्री ट्रेड का मतलब क्या है कि उसमें हस्तक्षेप ना हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि एक को तो गवर्नमेंट छूट दे दे दूसरे को छूट ना, एक तरीके से इंडिपेंडेंट रूप से ट्रेड है वो हो सके, उसमें कोई भी दखलंदाजी है वो नहीं हो सके। क्योंकि कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि अपना कार्टल बना लेती हैं, जैसे कि मान लो कि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था एयरटेल वगैरह इन कंपनीज ने जो फेसबुक वगैरह उनको फ्री चलाने की बात की थी, तो उस टाइम पे नेट न्यूट्रलिटी का मामला आया था, तो फिर वहाँ पे ट्राई ने भी स्टेप लिए थे और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी स्टेप है वो लिए गए थे। मतलब हमारे देश में फ्री और फेयर जो ट्रेड है वो हो सके, इसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई मनमर्जी ना करे कि भाई जिससे ट्रेड को नुकसान हो सके, एक कंपटीशन नहीं तैयार हो, तो उन सबको काम को रेगुलेट किया जाता है वो किया जाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और इसके 6 मेंबर होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है कोल्लम बाईपास के। देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि कोल्लम बाईपास है वो कौन से हाईवे पे है और कौन सा जो नेशनल हाईवे वो कहाँ से गुजरता है। तो जो कोल्लम बाईपास है वो बनाया जा रहा है नेशनल हाईवे 66। जो नेशनल हाईवे 66 है वो एक्चुअली केरला से होके गुजरता है, तो ये इफेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये वेस्टर्न घाट के पास में ही है, तो ये इफेक्ट ध्यान में रखना है। अब देखो वैसे तो आपको पता है काफ़ी सारे नेशनल हाईवे हैं इंडिया में, तो सारे तो हमें याद नहीं करने बैठने हैं, बट जो जो न्यूज़ में रहते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अभी एक्चुअली काफ़ी न्यूज़ में था और इस पर काफ़ी सारी बड़ी कॉन्ट्रावर्सी भी क्रिएट हुई थी कोल्लम बाईपास पे, तो यह ध्यान रखना है कि है केरला में है और ये नेशनल हाईवे 66 के ऊपर बनाया जा रहा है। तो ये कुछ फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, सिटी वगैरह नहीं याद रखने की कि इसको किससे कनेक्ट वगैरह कर रहा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है
फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में, यानी वन सलाहकार समिति। देखो फॉरेस्ट एडवाइजरी जो कमेटी है वो इंडिया की एक अपेक्स इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अथॉरिटी है। इसका काम क्या होता है कि हमारे देश में जो भी फॉरेस्ट को लेके कोई भी एक तरह से प्रोजेक्ट वगैरह आ रहा है या फिर उसको रिजेक्ट करना है, इसके बारे में कोई रिकमेंडेशन देनी है, प्रपोजल देना है किस तरीके से उसको मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है ताकि फॉरेस्ट का लॉस वगैरह नहीं हो, या वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड है उसको डाइवर्सिफाई करना है नहीं करना, ये सारे जो डिसीजन वगैरह है जो भी इस मामले में निर्णय वगैरह देने होते हैं, एक तरीके से एडवाइस देनी होती है, सॉरी, वो दी जाती है हमारे फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के द्वारा। और ये जो कमेटी है ये बनाई गई थी, सॉरी ये जो कमेटी है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंडर है वो काम करती है, और इसके तहत इस कमेटी का बनाया गया था। और ये जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है ये एक महीने में कम से कम एक बार जरूर मिलती है, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड उनके ऊपर अपना डिसीजन है वो देती है कि भाई ये प्रोजेक्ट लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, इससे क्या क्या नुकसान वगैरह हो सकते हैं। तो ये था फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है शूटिंग स्टार्स ऑन डिमांड को लेके। इसमें देखो आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो शूटिंग स्टार्स ऑन डिमांड प्रोजेक्ट है या ये जो मिशन है ये किसका है, जापान का, जापान की स्पेस एजेंसी का नाम ध्यान रखना आपको, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जिसे जाक्सा के नाम से भी जानते हैं, उसके द्वारा इसको लॉन्च है वो किया गया है। इसमें किया क्या जाएगा इस प्रोजेक्ट में वो देखते हैं। इसमें ये प्रावधान किया गया है जापान के द्वारा कि वो एक उपग्रह एक सेटेलाइट है वो भेजेगा स्पेस में, और फिर उसके द्वारा हमारी अर्थ के ऊपर एक उल्का पिंड होती है ना जिससे कि उल्का पिंड गिरती है, उसी तरीके से वो कृत्रिम उल्का पिंड वो गिरेगा और उससे क्या होगा एक तरीके से आतिशबाजी या पटाखे के तौर पर उनको देखा जाएगा। तो उनके द्वारा एक इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार हम नजर मार लेते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है यहाँ पे अगस्त्या कुर्दम चोटी के बारे में, अगस्त्या कुर्दम पीक के बारे में। देखो आपको बताया कि वेस्टर्न घाट है वहां पे एक इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व भी है जिसका नाम है अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, और अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है उसी के अंदर है अगस्त्या कुर्दम चोटी। कंटेक्स्ट अभी न्यूज में यह आया था कि जो अगस्त्या कुर्दम जो चोटी है ना इसके ऊपर पहले केवल मेल पर्सन थे वो इनको इजाजत थी कि वो इसके ऊपर चोटी पे चढ़ाई है वो कर सकते हैं, फीमेल को इस पर चढ़ाई है वो अलाउ नहीं थी। तो अभी वहां पे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था और उसके बाद ये मतलब ये निर्णय उसको चेंज कर दिया गया है कि अभी वहां पे फीमेल भी एंट्री वो कर सकते हैं, फीमेल भी इसकी चढ़ाई वो कर सकते हैं। तो यह ध्यान रखना कि अगस्त्या कुर्दम पीक है वो है कहां पे, यह अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व उसके अंदर एक अभयारण्य है अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में जिसका नाम है नेयर वन्यजीव अभयारण्य। तो नेयर वाइल्डलाइफ सेंचुरी के अंदर अगस्त्या कुर्दम चोटी है जिसको यह भी ध्यान रखना है कि अगस्त्या कुर्दम जो जीव बायोस्फीयर रिजर्व है इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी दिया गया है, और यह जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है उसके 20 स्थानों में से एक स्थान है, यह ध्यान रखना है आपको, छोटा सा फैक्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।